एक लकड़बग्घा ज़ीब्रा के इस झुंड की ओर आ रहा है। क्या मुझे कुछ सुनाई दिया? हाँ, शेर। शिकार करने पर शेर काफी आवाज करते हैं। चलो देखते हैं, मुझे नजर नहीं आ रहा, सिर्फ आंखें देख रही हैं। ठीक है मार्टिन, शेर बाईं तरफ है, वहां पर है शेर, वहां पर है शेर, उस तरफ। उन्होंने कोई शिकार मारा है, एक बड़ा सा ज़ीब्रा है। ये उन नरों में से ही एक है। हाँ, जरा देखो उसे। लकड़बग्घों के परिवार समूह में से सबसे पहले हम इनके पास पहुंचे हैं। ओह, ताजा शिकार है, एक घंटे से ज्यादा पुराना नहीं है। मार्टिन, ये कंधों पर निशान वाला नर है, ये बहुत जबरदस्त शेर है। इस ज़ीब्रा को निश्चित रूप से शेरों ने मारा है, आसपास हमारे अलावा कोई लकड़बग्घा नहीं है। चारों तरफ स्पॉटलाइट डालकर देख रहा हूँ, कोई नजर नहीं आ रहा। रुको, वो कौन है? वहाँ आंखें चमक रही हैं। कुछ लकड़बग्घे हमसे पहले यहाँ पहुँच गए थे। ये लकड़बग्घे पहले से ही यहाँ मौजूद थे, ये जानते हैं कि ज्यादा करीब जाने पर शेर आपको मार डालेंगे। शेर लकड़बग्घों को नहीं खाते, ये तो बस अपने प्रतिद्वंद्वियों को खत्म कर देते हैं। लकड़बग्घे शेरों के झुंड के बाकी सदस्यों से लड़ सकते हैं, लेकिन वयस्क नरों से नहीं। दूसरा शेर कहाँ है? शिकार में इसका साथी कहाँ है? वो रहा वहां पर। इस तरह के बड़े शेर एक बार में 45 किलो मांस खा सकते हैं, और ये किसी लकड़बग्घे को आसपास भटकने नहीं देगा। अपना पेट पूरी तरह भर जाने तक ये शिकार की हिफाजत करेगा। ये ठूस ठूस कर खाने के बाद ही यहाँ से जाएगा। दो शेर जो 270 किलो के ज़ीब्रा में से 45-45 किलो मांस खा सकते हैं, इनके खाने के बाद भी कुछ मांस बचना चाहिए, लेकिन वो तभी मिलेगा जब आप ऐसे जीवों की मौजूदगी में टिके रहें जो आपको मार सकते हैं। ये अपने काटने वाले कार्नासियल दांतों से मांस काट रहे हैं। ये जबड़े में यहाँ पीछे मौजूद खास किस्म के दांत हैं। ये कैंची की तरह काम करते हुए हड्डी पर से मांस काट लेते हैं, बिल्कुल कैंची की तरह। लकड़बग्घों के मुंह में भी कार्नासियल दांत होते हैं, लेकिन वो ज्यादा बड़े और ताकतवर होते हैं, और उन्हें अपने मजबूत मोलर दांतों के साथ इस्तेमाल करते हुए ये मांस ही नहीं काट सकते बल्कि हड्डियां भी तोड़ सकते हैं। इसीलिए ये लकड़बग्घे इंतजार कर सकते हैं। इनके पास वो औजार हैं जो इन्हें इस लाश को शेरों से ज्यादा कारगर ढंग से खाने की सहूलियत देते हैं। इसकी हड्डियां, इसके दांत, खुर, कुछ भी बर्बाद नहीं होगा। इसलिए आज रात लकड़बग्घों को शिकार करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने अपनी मुर्दाखोरी की रणनीति का इस्तेमाल करने का फैसला किया है, और ये दो शेरों के पास इंतजार कर रहे हैं। वो रहा, हम यहीं रुककर देखेंगे कि लकड़बग्घे किसी शेर से कैसे निपटते हैं। सुबह होने से ठीक पहले लकड़बग्घों के लिए हालात और बिगड़ गए। ये शेर बहुत ताकतवर है, ये अपने से दुगने वजन वाले शिकार को भी मार सकते हैं। देखिए कितने ताकतवर हैं। ये लगभग 180 किलो की लाश खींच रहे हैं। ये लकड़बग्घों के लिए अच्छी खबर नहीं है। शेरों का पेट भर गया है, लेकिन वो इस लाश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि वो इस शिकार को आसानी से छोड़ेंगे। शेर दहाड़ते हुए अपने इलाके और अपने शिकार पर अपनी दावेदारी का इजहार कर रहे थे, लेकिन लकड़बग्घों ने इस शिकार में हिस्सेदारी के इंतजार में काफी समय बिताया। क्या इसका फायदा होगा, या फिर बेताबी में ये लकड़बग्घे कोई जानलेवा गलती कर बैठेंगे। तीसरा दिन, सुबह के 7:17 ओल्ड टुकाई का इलाका। दोनों शेर अपने शिकार यानी 12 घंटे पहले मारे गए एक बड़े ज़ीब्रा को छोड़ने को तैयार नहीं है। लकड़बग्घे शिकार के पास जाने के लिए बेताब लग रहे थे, लेकिन उन्हें सावधान रहना था कि कहीं शेरों के ज्यादा करीब ना पहुंच जाए। लगभग 24 घंटे बाद और शिकार को एक और बार खा लेने के बाद लगता है शेरों का पेट पूरी तरह भर गया है।
ओह शेर उठ रहे हैं, वो जा रहे हैं, इनका पेट भर गया। क्या वो इसे छोड़ के जाएंगे? लगता तो है। या फिर वो लकड़बग्घों पर घात लगाने के लिए कहीं आसपास छिपकर बैठने वाले हैं ताकि उन पर अचानक हमला कर सके। तो वो रहा, वो सावधानी से आगे बढ़ रहा है। लाश कितनी बची है? अभी ढेर सारी हड्डियां बची है, लेकिन हड्डियों पर ज्यादा मांस नहीं। इसी वजह से शेर चले गए। शेर मांस खाते हैं, हड्डियों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती। यही एक ऐसा मौका है जब लकड़बग्घे अपने इलाके में शेरों के शिकार के बचे कुचे हिस्से को खाकर उनकी मौजूदगी का फायदा उठा सकते हैं। ओ, वो खाना शुरू कर रहा है। वो हड्डी को जबड़े के किनारे घुसा रहा है। इस तरह वो अपने मोलर दांतों का इस्तेमाल करते हैं। ये तोड़ने वाले दांत हैं। इसी वजह से लकड़बग्घे हड्डियों को तोड़ सकते हैं और शेर उन्हें नहीं तोड़ पाते। ये 445 किलो से ज्यादा की ताकत से काटते हैं। काटने की ये ताकत इंसान से 5 गुना ज्यादा है। वो उसे तोड़कर भीतर मौजूद पौष्टिक मैरो को खाना चाहता है। हर मांसाहारी जीव को मैरो अच्छी लगती है, लेकिन बहुत कम जीव उसे हासिल कर पाते हैं। लकड़बग्घे उसे हासिल करने में माहिर है। यहाँ किसी भी शिकारी की तुलना में इनके जबड़े सबसे ताकतवर हैं। कमाल की बात है कि ये ज़ीब्रा की टांग की हड्डी को भी चबाकर तोड़ सकते हैं। ओ सियार, सियार भी यहाँ आ गए हैं। सियार अपनी रफ्तार के बूते शिकार करने वाले जीव हैं। ये बहुत तेजी से भाग सकते हैं और मुड़ भी सकते हैं। छोटे से कुत्ते जैसे इस जीव को यहाँ लकड़बग्घों और शेरों जैसे बेरहम शिकारियों के बीच जीना पड़ता है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया है कि शेर अपने शिकार की काफी समय तक पूरी हिफाजत करते हैं और अपने परिवार समूह के ढेर सारे सदस्यों का पेट भरने के लिए लकड़बग्घों को अपना वजूद बनाए रखने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाने पड़ते हैं। इसके लिए इन्हें खाना हासिल करने के दूसरे कुटिल तरीकों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। चौथा दिन शाम के 6 बजे हम एम्बेसली परिवार समूह के इलाके में थे और हमने इसके एक सदस्य को मान से लगभग 3.25 किलोमीटर दूर देखा। क्रिस, इस लकड़बग्घे के पास एक गजेल है। ठीक है, लकड़बग्घे गजेल का शिकार कर सकते हैं, लेकिन वो रात को उनका शिकार करते हैं। इसीलिए अगर इस मादा के पास दिन के समय गजेल की लाश है तो इसने जरूर इसे किसी चीते से छीना होगा। यहाँ शायद यही हुआ है और ये लकड़बग्घों के जिंदा रहने की दूसरी रणनीति है, चोरी। ये मौका मिलने पर अपने से कमजोर शिकारियों का शिकार छीन लेते हैं, जैसा कि हमने तंजानिया में सेरेंगेटी में देखा था। चीतों को बहुत तेजी से शिकार करके उसे फटाफट खा लेना होता है। जैसे ही ज्यादा बड़े और ताकतवर लकड़बग्घों को शिकार का पता चलता है, वो आकर उसे छीन लेते हैं। लकड़बग्घे अपना लगभग 10% भोजन दूसरे जानवरों से छीनकर प्राप्त करते हैं। वो सभी बड़े शिकारियों से शिकार छीन सकते हैं, यानी चीतों, शिकारी कुत्तों, तेंदुओं और कई बार शेरनियों से भी। ये बस वयस्क शेरों से शिकार नहीं छीन पाते। और जब लुटेरे लकड़बग्घे आते हैं तो चीते लाचारी में इन्हें देखते रहने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। ओ, रुको, वो जा रही है। वो कहाँ जा रही है? यहाँ हम लकड़बग्घे की गर्दन को एक्शन में देख सकते हैं। ये गजेल की लाश को उठाकर ले जा रही है। इसमें काफी मांस भी है। शेर, ये इस शिकार को शेरों या किसी दूसरे लकड़बग्घे के हाथों नहीं पड़ने देना चाहती, तो ये इसे कैसे बचाएगी? ये उसे दलदल में ले जा रही है। हाँ, पानी के जरिए। पानी में मांस की गंध छिप जाएगी और शेर जैसे अन्य जीवों को पानी में उतरना सख्त नापसंद है। और ये उसे दबा रही है, दलदल में छिपा रही है। वाह, कमाल की तकनीक है। उस मांस को शेरों और गिद्धों से छिपाने का कितना अच्छा तरीका है। और दूसरे लकड़बग्घों से भी। हाँ, अब इसने छिपा लिया है। इसे पता है कि मांस कहाँ पर है और ये किसी भी वक्त आकर उसे खा सकता है। बढ़िया रणनीति। बहुत सामाजिक और आपस में सहयोग करने वाले जीव होने के बावजूद लकड़बग्घे स्वार्थी भी होते हैं और इस मादा लकड़बग्घे ने चीते के उस शिकार को छीनकर अकेले खाने के मौके का फायदा उठाया। इस मादा लकड़बग्घे के लिए चोरी अब तक कारगर साबित हुई है, लेकिन क्या ये परिवार समूह द्वारा शिकार में कामयाब?
पांचवा दिन सुबह के 10:20 हम दलदल में मादा लकड़बग्घे द्वारा मांस छिपाने की जगह पर तैनात थे कि हाथी आ गए। हाथियों का प्रजनन कर रहा झुंड आगे बढ़ता हुआ सीधे दलदल की ओर जा रहा है। प्रमुख मादा इसकी अगुवाई कर रही है। झुंड के थोड़े कम अनुभवी सदस्य पीछे चल रहे हैं और नन्हा बच्चा अपनी माँ के ठीक पीछे है। हाथियों द्वारा बचाव के लिए इस तरह घेरे में चलने से लकड़बग्घों के सबसे बड़े परिवार समूह के लिए भी हाथी के बच्चे तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये एम्बेसिली की हरी भरी जगह है। यहाँ की पौष्टिक हरी घास खाने के लिए हर तरफ से हाथी यहाँ आ रहे हैं। ये यहाँ साल का सबसे सूखा समय है और पानी भरने से बनी अस्थाई झील का बस यही हिस्सा बचा है। लकड़बग्घों को आगे काफी दिक्कत होगी क्योंकि घास के ये मैदान जिसमें विल्ड बीस्ट और जीब्रा चर रहे हैं उसमें पानी भर जाएगा। यहाँ घास नहीं होगी इसलिए लगभग 2 महीने तक खाने की किल्लत हो जाएगी और लकड़बग्घों को खाना ढूंढने के लिए यहाँ से दूर जाना होगा। इस माँ और बच्चे को देखिए, एक दूसरे की सूंड छू रहे हैं। ये हाथियों का अभिवादन है। वो इस तरफ से जाना चाहते हैं और हाथियों का रास्ता कोई रोक नहीं सकता। हम भी चलते हैं क्रिस, वो आ रहे हैं। ठीक है, लकड़बग्घों के पास जाने का वक्त हो गया। हम मादा लकड़बग्घे द्वारा दलदल में छिपा कर रखे गए मांस के पास समय पर पहुंच गए। हाँ, वो छिपाया हुआ मांस निकालकर खाने के लिए दलदल में वापस आ गई है। इतनी देर तक पानी में रहने की वजह से मांस थोड़ा और सड़ गया है। नरम हो जाने की वजह से मांस को खाना आसान हो गया है। लेकिन इस मादा ने इसे इस वजह से छिपाया था कि जरूरत पड़ने पर ये इसे खा सके और अभी इसे इसकी जरूरत है। लेकिन ये दूसरे लकड़बग्घों से सुरक्षित नहीं है। कई लकड़बग्घे इस दलदल का इस्तेमाल करते हैं, खासकर जब परिवार समूह ने पिछली कुछ रातों से कोई शिकार नहीं किया है। दलदल के पानी में भीगी विल्ड बीस्ट की पसलियां चित्तीदार लकड़बग्घों के लिए ये बड़ी लजीज है। लेकिन ये लकड़बग्घे हर किसी से अपना खाना नहीं छिपा सकते। ये रहा एक मैरबू स्टॉक। सूखी जमीन पर लकड़बग्घे गिद्धों के साथ खाना खाते हैं। यहाँ दलदल में इन्हें मैरबू स्टॉक के साथ हिस्सा बांटना पड़ता है। ये मांसाहारी पक्षी वयस्क फ्लेमिंगो नन्हे मगरमच्छों और पानी में अच्छी तरह सड़े हुए मांस को खा सकते हैं। यकीन नहीं होता वो उसे खा रहा है। हमने लकड़बग्घों को मुर्दा खोरी और चोरी करते हुए तो देख लिया, लेकिन अभी इन्हें अस्तित्व बनाए रखने की तीसरी रणनीति यानी शिकार करते हुए देखना बाकी है।